हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोडक्शन एनालिटिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जो काफ़ी जनों की फेवरेट और हमें काफ़ी जनों के पास देखने को मिल जाती हैं। जी हाँ, आज की मैं इस वीडियो में रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आइसन 4.1 मल्टीमीडिया होम थिएटर की, जो कि आइसन की तरफ से न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। आइसन जो है एक इंडियन ब्रांड है। तो गाइस, जो होम थिएटर होते हैं इसके हमें काफ़ी सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम कभी अकेले बोर हो रहे हो तो फुल बेस और फुल वॉल्यूम में हम गाने सुन सकते हैं, और छोटे मोटे पार्टीज में भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कभी दोस्तों के साथ माहौल बनाना हो तो उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर ले जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू और जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो गाइस, इस तरह के बॉक्स में होम थिएटर हमें देखने को मिलते हैं, जिसपे ऊपर की तरफ हमें कस्टमर केयर से रिलेटेड डिटेल दी हुई है। अगर जैसे अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कोई कंप्लेंट या क्वेरी हो तो यहाँ पे हमें टोल फ्री नंबर और ईमेल प्रोवाइड की हुई है। और यहाँ पे हमें आइसन्स के और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि जैसे कंपनी और क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि LED TV, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारे। और अगर इसके फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर, और नीचे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी, USB इनपुट, रिमोट कंट्रोल, ऑक्स इनपुट, RGB LED लाइट्स, डिजिटल डिस्प्ले, FM रेडियो, 45 वॉट RMS पावर आउटपुट, जिनके हम आगे डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं प्रोडक्ट नेम, मॉडल नंबर, पावर आउटपुट, इनपुट वोल्टेज और बॉक्स में क्या क्या है, प्राइस वगैरह वगैरह। तो अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, ये हैं चार सेटेलाइट स्पीकर, ये रिमोट और वारंटी कार्ड, और ये हैं एक सबवूफर। तो गाइस, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इन्हें सेटअप कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। तो गाइस, यहाँ पे हमें एक ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, और अब हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है FR, मतलब राइट साइड का फर्स्ट स्पीकर, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है SR, मतलब सेकेंड स्पीकर राइट साइड का। सेम ऐसे हम इधर लेफ्ट साइड के स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अगर हम इनकी फ्रंट साइड की बात करें तो इसकी जो डिज़ाइन और लुक है वो बहुत ही अमेजिंग है। और गाइस, इनमें जो RGB LED लाइट्स हैं उनसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। फ्रंट में हमें आइसन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और इनमें हमें डिजिटल डिस्प्ले भी मिलती है। और तो गाइस, नीचे हमें कुछ कीज़ दे रखी है, जैसे ये प्रीवियस की, स्टॉप एंड प्ले की, नेक्स्ट की एंड मोड की। तो इससे हम डिफरेंट मोड्स चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ, ऑक्स इन, FM, USB, और यहाँ पे हमें USB पोर्ट और ऑक्स इन पोर्ट भी दिया हुआ है। और ये जो सेटेलाइट स्पीकर है वो भी काफ़ी कमाल के हैं। इनमें पीछे की तरफ ये दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम इन्हें दीवार पे आसानी से हैंग कर सकते हैं। तो गाइस, काफ़ी अच्छे फीचर्स है, और आई थिंक लगभग सारे फीचर्स है जो इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अब बार आती है इन्हें टेस्ट करने की, तो चलिए इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइस, अब मैंने इन्हें ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है, तो अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं।
तो गाइज इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब इनमें वो सीन नहीं है जैसा कि कभी कभी होता है आवाज़ फट रही है, तो वैसा कोई सीन नहीं है। फुल पर भी मस्त ऑडियो क्वालिटी और मस्त बेस आता है। तो ओवरऑल ये एक बेस्ट बजट होम थिएटर है जो कि 2500 के आसपास आसानी से मिल जाएगा। मैंने इसे 2600 में परचेज़ किया था, लेकिन ऑफ़र या कैशबैक में क्या पता आपको ये और भी सस्ता मिल जाए। तो गाइज़ अगर आप भी नया होम थिएटर परचेज़ करने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ एंड हेल्दी।